ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बिग मसल न्यूट्रिशन के। मैं वन बाय वन आपको हर एक सप्लीमेंट का रिव्यू दूंगा। तो आज जो हमारा रिव्यू है बिग मसल न्यूट्रिशन का रे एंड रियल आइसोलेट के बारे में है। गाइस इस सप्लीमेंट के बारे में हम आज रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया और कैसा है ये सप्लीमेंट, इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। तो गाइस ये अनफ्लेवर है, देखिए रे एंड रियल आइसोलेट वे प्रोटीन। गाइस सबसे अच्छी इसकी जो बात लगती है मुझे वो ये है कि ये प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री आता है। अब यहाँ पे देखिए 27 ग्राम तक प्रोटीन दिया गया है, ग्लूटेन फ्री है, मतलब कोई अदर प्रोटीन नहीं मिलता है इसके अंदर, सोया कंटेंट नहीं है। मतलब क्या है कि ग्लूटेन फ्री मतलब आपको कोई अदर प्रोटीन नहीं मिलता, जो आपको मिल्क से बनाया गया वे प्रोटीन रहता है वही आपको 100% मिलता है। तो अदर प्रोटीन बिल्कुल भी ऐड नहीं है, जीरो कार्ब जीरो शुगर है, प्रिजर्वेटिव भी है इसके अंदर फ्री है और नो सोया भी ऐड नहीं किया गया। तो प्योर आपको जो कंटेंट मिलता है वो आपको मिल्क का मिलता है। तो 27 ग्राम तक प्रोटीन दिया गया है। तो गाइस ये एक आइसोलेट है, आइसोलेट जो होता है गाइस उसके अंदर 90% तक प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन होता है जो कि बेस्ट क्वालिटी का होता है। सबसे जो टॉप पे रहता है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन होता है। सेकंड पे होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। आइसोलेट जो होता है गाइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग होता है। ये काफ़ी अच्छा है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोस बहुत ही 10% के आसपास होते हैं, 90% इनके अंदर प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का मिलता है आपको। तो गाइस सबसे पहले इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, कितनी सर्विंग है इसकी। तो गाइस देखिए यहाँ पे सर्विंग साइज़ दिया गया है, वन स्कूप का है 30 ग्राम का, टोटल 30 सर्विंग है। मतलब एक दिन आप एक टाइम पे एक सर्विंग यूज़ करेंगे तो टोटल 30 दिन तक चलेगा अगर दिन में एक टाइम की सर्विंग आप यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस एक सर्विंग का साइज जो है 30 ग्राम का है, मतलब जब एक चम्मच लेंगे आप तो 30 ग्राम का होगा। उसके अंदर कैलोरी 16 तक है, प्रोटीन 27 ग्राम तक है, फैट इसके अंदर 1.0 ग्राम तक है, सैचुरेटेड फैट 0.3 ग्राम तक है, मतलब नथिंग कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो है, शुगर जीरो है, शुगर इसलिए भी जीरो है क्योंकि गाइस ये नॉन फ्लेवर है, अनफ्लेवर है, इसका कोई फ्लेवर नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 27 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है जो कि एक आइसोलेट है। बाकी गाइस अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करूँ तो गाइस देखिए ल्यूसीन आइसोल्यूसीन सब तरह के चीज़ें ऐड है इसके अंदर अमीनो एसिड की जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। जहाँ पे ल्यूसीन की बात करूँ तो गाइस ल्यूसीन देख ये कि यहाँ पे 2982 मिलीग्राम तक है, आर्जिनिन है, वैलिन है, तो सभी तरह की जो अमीनो एसिड हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए रहती है, हमारी मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए रहती है, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये काफ़ी तो गाइस अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर सिर्फ इसके अंदर वे प्रोटीन आइसोलेट ही यूज़ किया गया है और कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं है। सिर्फ आपको कंटेंट जो मिल रहा है मिल्क का मिल रहा है, तो यहाँ पे सोया नहीं ऐड किया, कोई भी अदर प्रोडक्ट प्रोटीन ऐड नहीं किया गया, सिर्फ आपको वे प्रोटीन ही प्योर वे प्रोटीन मिलता है आइसोलेट 92% आइसोलेट जो होता है गाइस उसके अंदर आपको 90 से 92% के बीच में प्रोटीन की अवेलेबिलिटी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की मैं बात बता दूँ तो उसके अंदर सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट है क्योंकि ये ब्लेंड नहीं है, इसके अंदर कोई सब वे प्रोटीन वगैरह दूसरा ऐड नहीं किया गया, जैसे वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, तो सिर्फ आपको एक ही प्रोटीन मिल रहा है वो है वे प्रोटीन आइसोलेट सेकंड नंबर वाला वे प्रोटीन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डाइजेस्टिंग फास्ट है, मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है आइसोलेट, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज़ अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्कूप लेना है प्रोटीन का और इसके साथ आपने 150 ml तक पानी लेना है और पानी के अंदर ही यूज़ कीजिए, मिल्क ज़्यादा यूज़ ना कीजिए। मैं यही आपको बताऊँगा कि आप जो भी प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं वे प्रोटीन वो आप पानी में यूज़ कीजिए, वैसे तो आप मिल्क में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप इसको पानी में ही यूज़ करें। तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है। बिग मसल एक इंडियन ब्रांड है गाइस और ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट बना रहे हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट लगा क्योंकि अब और भी बहुत सारी डिटेल्स है इसके ऊपर जो इतनी ज़रूरी नहीं है, बस जो चीज़ें हमें देखनी थी वो तो मैंने देख। बाकी गाइस अगर इसकी मैं पैकिंग की बात करूँ तो कुछ इस तरह की पैकिंग आती है, अभी तक मैंने खोला नहीं है इसको, मैं खोलूँगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका स्कैनिंग कोड है, जैसे कि जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या कहीं ये सप्लीमेंट हमें फेक ना मिल जाए, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया रहेगा, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इस बैच की जो जितनी जो डेट को ये प्रोडक्ट बना है
आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी आराम से इसी बैच की। आप डिटेल अपने मोबाइल पे आई जो डिटेल है उसके साथ कंपेयर करके इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट असली है कि नकली है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, वे डुप्लीकेट बनने का चांस नहीं है इसका इतना। तो गाइस चलिए हम खोलते हैं इसको पहले। तो गाइस ये देखिए मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे सारी डिटेल्स है। आप प्ले स्टोर पर जाके जहाँ जैसा भी आप उसको स्कैनिंग कर सकते हो, कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिग मसल का। तो गाइस जब भी आप ख़रीदें तो इसके ऊपर ऐसा एक लेबल आता है बिग मसल का, इस डिज़ाइन ऐसा बना रहता है। आप इसको खोलेंगे तो अंदर भी आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखिए तो ये सब लिखा रहता है उसके ऊपर। तो गाइस इसको खोल लेते हैं हम। तो गाइस ये नीचे भी इसके कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स लिखी है, क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो बाकी अभी इसका स्कूप देखते हैं, कुछ इस तरह का स्कूप है। अभी इसका स्कूप थोड़ा चेंज कर दिया गया है, पहले कुछ स्कूप जो है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आता था वाइट कल वाइट में, तो यहाँ पे भी बिग मसल मिलता है आपको लिखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो ये स्कूप है गाइज ऑलमोस्ट 30 ग्राम का। तो बाकी अगर मैं पाउडर की बात करूँ तो गाइज पाउडर कुछ इस तरह की क्वालिटी में आता है, ये अनफ्लेवर है, इतना फाइन तो नहीं है लग रहा लेकिन अच्छा है फिर भी। तो गाइज देखिए सप्लीमेंट मेरे हिसाब से अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक तो ये सस्ता भी है आइसोलेट। मैंने मैक्सिमम जितने भी आइसोलेट देखे हैं तो गाइज वो काफ़ी महंगे होते हैं, ऑलमोस्ट आपको 2000 से ऊपर ही आइसोलेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये 1400-1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। एक किलो है, एक किलो से थोड़ा कम है, मतलब 900 ग्राम तक आएगा ये। तो ये 900 ग्राम या एक किलो के पास आपको मिल सकता है ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपये में। तो ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है मेरे हिसाब से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपको सोया मिल रहा है, सोया का कंटेंट कुछ नहीं। बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सोया ऐड कर दिया जाता है, लेकिन हम इतना पैसे दे के कोई सप्लीमेंट ले लें तो हम सोया का कंटेंट क्यों लेंगे, हमें मिल्क ही चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। तो गाइस ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।